हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप लोग लाइक भी नहीं करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे चैनल को। यार इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे होते, आपके फेवरेट लोगों की वीडियो बना रहे होते, पर आप लोग देखते नहीं। अब पूरी वीडियो देखना, तो चलो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। दोस्तों मुनव्वर की न्यूज देने से पहले थोड़ी सी हम दूसरी न्यूज देते हैं, क्योंकि मुनव्वर की हमेशा लास्ट में हम न्यूज देते हैं ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखो, आगे नहीं करना। अच्छा चलो शुरू करते हैं रिव्यू। दोस्तों पहली न्यूज जो है वो भूल भुलैया की है, भूल भुलैया 3 आप लोगों को बताया, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित ये सब है। उसमें एक और कास्ट ज्वाइन हो गई है, फवाद खान जो पाकिस्तानी एक्टर हैं और 10 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, वाणी कपूर के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, पर ये भूल भुलैया भी उनकी एक ऐड हो गई है 3, और इसमें कार्तिक के साथ होंगे वो, पर कैमियो रोल होगा और विद्या बालन के साथ उनका रोमांस होगा। तो फवाद खान काफी टाइम बाद जो है इंडियन ऑडियंस को दिखेंगे, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आप लोगों का क्या कहना, कि आप लोग एक्साइटेड हैं फवाद खान को अगेन देखने के लिए? फवाद खान को मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा, गुड लुकिंग, जबरदस्त है, पर उसको वैसा रोल नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से? क्योंकि ऐ दिल है मुश्किल में भी वैसा रोल नहीं था जैसे था, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा ही रोल उसको मिला, वैसा उसको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला एज एन एक्टर, जैसे मौला जट वगैरह दूसरी फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में उसको अच्छे तरीके से मिला। तो आप लोगों को क्या लगता है, कार्तिक और फवाद की जो थोड़ी बहुत सीन्स अगर हैं तो मज़ा आ जाएगा ये देखने में, और स्टोरी फिर यही रिवॉल्व करेगी कि विद्या बालन और फवाद खान जो है रोमांस कर रहे थे, फिर कार्तिक आर्यन, वही जो भूल भुलैया 1 की स्टोरी थी, वही मुझे लग रहा है भूल भुलैया 3 की स्टोरी थोड़ी सी मैचअप वैचअप करके बनाया इन लोगों ने। आप इसके बारे में कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुनव्वर की न्यूज़ है भाई, मुनव्वर का जो लेटेस्ट शो है वो इतने बड़े हॉल में हुआ है दुबई के, मुनव्वर खुद हैरान है। मुनव्वर ने सब लोगों से बोला भाई इतना रश है कि मैं तस्वीर भी नहीं खिंचा सकता, तो काफ़ी लोगों ने बड़ा बुरा माना, अरे यार ये क्या बात है, थोड़ा सा तो तस्वीर वगैरह खिंचा लो, पर मुनव्वर बोलता है आई एम सॉरी। पर फिर बाद में मुनव्वर ने कोशिश की कि जितने लोग हों उनसे तस्वीरें खिंचाएं। मुनव्वर की माशाल्लाह से अच्छी चल रही है, वो नेजी को सपोर्ट कर रहा है मुनव्वर, तो हम भी नेजी को ही फिर सपोर्ट करेंगे जब तक जो है क्या कहते हैं राउंड टू हेल वाले नहीं आते, तब तक तो नेजी को ही सपोर्ट है, फिर बाद में देखते हैं कि कौन है। आप किसको सपोर्ट करो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब करना।